झांसी में चावला कॉलोनी में रहने वाले समाज सेवा समिति के संरक्षक ने दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक दबंग मौके से भाग निकले। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चावला कॉलोनी में एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया है, जिस पर पीड़ित ने बिना बात अपशब्द और घर में मौजूद पत्नी व पुत्री से मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी निवासी नब्बन अहमद के अनुसार आज शाम वे समिति के कार्यालय में बैठे थे, तभी कॉलोनी में रहने वाला शमीम राइन अपने साथियों के साथ आया और कार्यालय के बाहर रखी कुर्सियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी उसके घर पहुंचे और उसका नाम लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसकी पुत्रियों तथा पत्नी ने विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट करने की कोशिश की है। मोहल्ले के लोगों के आ जाने के कारण दबंग गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए हैं। यह पूरा घटनाक्रम पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि शमीम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शमीम पत्रकार, शमीम में चारों भाई, बहने और बहनोई और बाप सब लोग आए, जान से मारने की धमकी दे गए। रस्ते में जब मेडिकल पे फोन आया तो उसने हमारे पे गाड़ी चढ़ा दी, ये गाड़ी पड़े सामने खड़ी है और यहाँ इनसे कह गया जान से मार डालेंगे सबको, पूरे कमेटी के लोगों को। झांसी से आर्यन शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।